हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप थ्री एक्सरसाइजेज फॉर नॉकनीज एंड हिप स्ट्रेंथनिंग। अब मैं दोनों का नाम इकट्ठा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नॉकनीज जो होता है वो बेसिकली प्रॉब्लम होती है दो कंडीशन की वजह से, या तो अगर फ्लैट फुट हो तो हमारे नॉकनीज होते हैं, या अगर हमारे हिप वीक हो तब नॉकनीज होते हैं। वीक इन द सेंस अगर हमारा जो एबडक्शन है, एबडक्टर जो है, अगर वो वीक है और एडक्टर टाइट है तो हिप की जो है वो नॉकनीज हो जाएगा, या अगर हमारा एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो वीक है और इंटरनल रोटेटर टाइट है तो भी ये हिप जो है वो हमारा जो अंदर की ओर आएगा जिससे नॉकनीज होगा। तो मैं आपको तीन ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो नॉकनीज और हिप स्ट्रेंथनिंग दोनों में हेल्प करेगी, क्योंकि ये इसकी अगर हम कॉज ट्रीट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो नॉकनीज की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी और हिप की भी स्ट्रेंथन हो जाएंगे। तो दोनों जो है वो एक ही एक्सरसाइज से दोनों चीज़ों को फायदा होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो इन तीनों एक्सरसाइज को करने के लिए हमें चाहिए रेजिस्टेंस लूप। अब सबसे पहले हमने करनी है क्लैम्पशेल एक्सरसाइज, तो इसके लिए हमने इस लूप को यहाँ अपने नीज के ऊपर तक ले जाना है और ये लूप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रेंथनिंग रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवाएगी, तो इसलिए हमने इसको यहाँ तक लिख लेना है। अब हमने ले लेनी है, एक साइड पे लेट जाना है और दोनों नीज को फोल्ड कर लेना है ऐसे, दोनों नीज को फोल्ड करके अब जो एंकल है, जो फुट है वो वहीं पर रहेगा और सिर्फ हिप को हमने इस तरह से खोलना है ऊपर ऐसे। अब ये सारा जोर जो है वो यहाँ पर आएगा। अब ये एबडक्शन भी है और एक्सटर्नल रोटेशन भी हो रही है। ये एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना हिप हमारा एक्सटर्नली रोटेट करेगा उतना ये नॉकनीज की प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व होगी। हिप की स्ट्रेंथनिंग तो होगी होगी, साथ में नॉकनीज की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसको हमने करना है 20 रेपिटेशंस दोनों साइड से। ये हमने एक साइड से कर लिया तो दूसरा टर्न लेके हमने दूसरी साइड से भी कर लेना है। तो ये होगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में भी हमने इसको इसी तरह से नीज के ऊपर रख लेना है, यहाँ पर नीज पर डाल लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सिंपल भी कर सकते हैं, इसको दो तरीके से करेंगे। सिंपल करना है तो इस तरह से इसको खोल लीजिए ऐसे, और अगर थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज करना है, जब आप सिंपल करने के आराम से पॉसिबल हो रहा है सिंपल करना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से ऊपर आ जाना है ब्रिजिंग एक्सरसाइज में, उसके बाद इसको खोलना है ऐसे। इससे जो हिप स्ट्रेंथनिंग होगी और साथ साथ कोर स्ट्रेंथनिंग होगी ये हमें ज़्यादा फायदा देगी। तो ये हो गई हमारी सेकंड एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट टिप है नॉक नीज वालों के लिए, जो रात को सोते हैं 8-9 घंटे उनकी जो नीज हैं वो जुड़ी रहती हैं इस तरह से, वो सोते हैं ऐसे ऐसे सोते हैं तो उनकी जो नीज हैं वो जुड़ी रहती हैं। इसमें गैप क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए नी पिल्लो, और ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं जिनको भी नॉक नीज की प्रॉब्लम होती है। तो इसको आपने क्या करना है, इस तरह से नी के बीच में ऐसे लगा लेना है और अपनी इसका स्ट्रैप जो है वो इस तरह से हमने अटैच कर देना। तो अब हमने स्ट्रैप थोड़ा सा बड़ा किया है क्योंकि थाइस के हिसाब से स्ट्रैप जो है वो इजीली आ सके। तो इस तरह से अब देखिए नी पिल्लो जो होगा वो आपके नीज के अंदर गैप क्रिएट करेगा, और ये नी पिल्लो हर नी की कंडीशन, चाहे वो नी में गैप कम हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या आपको पैटेला फ्यूमरल सिंड्रोम है, आपकी नी की सर्जरी हुई है, नी रिप्लेसमेंट हुआ है, ACL इंजरी हुआ है, हर चीज़ में आपको मीडियल स्पेस यानी कि अंदर वाली जगह में जो पेन होता है उसको रोकने के लिए हमने इस पिल्लो को इस तरह से हमने रख लेना है। क्योंकि जो हम नॉर्मल पिल्लो रखते हैं तो वो रात को निकल जाते हैं, ये पिल्लो निकलेगा नहीं आपके साथ साथ, ये आपने क्योंकि इसको फिक्स किया हुआ है तो आपके साथ साथ ये टर्न कर जाएगा। अगर आप दूसरी साइड जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी साइड में भी गैप क्रिएट करके रखेगा। तो इस तरह से हमने, आप देखिए ये ऐसे नी पिल्लो सारी रात रहेगा तो आपको जो है वो मुश्किल नहीं आएगी। शुरू में थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा क्योंकि आपकी नीज को आदत नहीं है, पर ये आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं, या नीचे लिखे नंबर पर जाके भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वैसे भी ये प्रोडक्ट 1 हफ्ते के लिए आपको ऑफर पर मिलेगा, तो इसलिए आप वेबसाइट पर जाके ऑर्डर कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। तो अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे। अब हमने लूप को कर लेना है यहाँ एंकल के पास नीचे। अब इसको भी, इस एक्सरसाइज को भी हमने दो पोजीशन में करना है। एक तो हम सीधा इस तरह से लेट के इस तरह साइडवेज इसको ओपन कर सकते हैं। अब ये होगी स्ट्रेट लेग के साथ, पहले हमने दोनों की थी लेग्स फोल्ड करके, अब स्ट्रेट लेग्स के साथ करेंगे ताकि जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है वो और इंक्रीज हो जाए। तो इस तरह से हमने इसको बाहर की ओर लेके जाना है। ये हो गई थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, इस तरह से एंकल के पास रहेगा, साइडवेज लेंगे और इस तरह साइड से उठाएंगे ऐसे। रेजिस्टेंस लूप को ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं, या नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर भी जाके इसको ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज कर लेनी है साइडवेज। तो आपने नोट किया होगा कि तीनों एक्सरसाइज में हमारा जो हिप है
वो बाहर की ओर जा रहे हैं, यानी कि जो नीज में है वो गैप इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए नॉक नीज में गैप कम होता है तो हमने गैप इंक्रीज करना है। तो तीनों एक्सरसाइज जो है वो नीज को सेपरेट करने के लिए हैं। तो ये थी 3 नॉक नीज और हिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, को आप करिए, इससे डेफिनेटली आपकी नॉक नीज को भी फर्क पड़ेगा और जो हिप है वो भी स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि हिप स्ट्रेंथनिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी की कोई भी प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड जो है वो हिप जॉइंट, उसके बाद नी जॉइंट, इस तरह से हमारी बॉडी लेती है। तो हिप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, तो इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सबके साथ शेयर करेंगे तो उनको भी पता लगेगा कि हमारी प्रॉब्लम के रिलेटेड आपने वीडियो भेजा है, तो वो ईजिली ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। और हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और जो भी प्रोडक्ट्स इसमें दिखाए गए हैं वो हमारी डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके कॉम्बोज भी बने होते हैं, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए तो आपको कॉम्बो ऑफर भी पता लग जाएगा। और हमारा जो इस वीक का जो प्रोडक्ट है वो है हमारा नी पिल्लो, तो नी पिल्लो को भी ऑर्डर कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट पर जाके। आप डिस्काउंट कूपन लगाइए, ऑफर का लाभ उठाइए। और मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और छोटी सी उसकी फ़ीस होती है उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि इसका वेटिंग पीरियड जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।